तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है, और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए। उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सप्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सप्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगे तोड़ी
तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातूस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातूस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी।